सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन को और साथ में बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर न्यू डायरेक्शन। साथियों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है उन अभ्यर्थियों के लिए जो आर्मी की भर्ती देखना चाहते हैं और बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप 8वीं पास हैं, हाई स्कूल पास हैं, तो बड़े पदों के लिए यह भर्ती आ गई है उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के लिए। बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पर आर्मी में नौकरी पाने के लिए। तो पूरी डिटेल बताने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दें। लाइक जरूर करिएगा, मैं टारगेट रखता हूँ इस वीडियो में 500 लाइक का। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो साथियों, ये उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी आ रही है, अमेठी के लिए ये रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले की ये वैकेंसी है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अम्बेडकर नगर, अमेठी, बस्ती, अयोध्या, कुसुम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, संत कबीर नगर और साथ में त्रिशुंडी, अमेठी, इतने जिलों में आप यहाँ पर रैली शुरू होने जा रही है। यहाँ पर आप देखते चलें कि ये जो रैली है ये यहाँ पर, इसके लिए पहले आपको आवेदन करने होंगे और उसके बाद ये रैली होगी। आवेदन 9 सितंबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर को समाप्त होंगे, ठीक है। और रैली आपकी 4 नवंबर से 17 नवंबर तक चलेगी। इसके लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड वगैरह भी निकाले जाएंगे। 24 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। सब चीज़ें क्लियर मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, देखते रहिए। सबसे पहला पद है सोल्जर जनरल ड्यूटी। 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2002 के बीच में है। उनके लिए हाइट 169 सेंटीमीटर और वेट 50 केजी होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होनी चाहिए, कम से कम हाई स्कूल पास 45% के साथ अगर आप हैं तो इसके लिए तुरंत आवेदन कर सकते हैं। सोल्जर टेक्नीशियन की अगर हम बात करें टेक्निकल की, 17.5 से 23 वर्ष आयु सीमा, 1 अक्टूबर 1996 से 1 अप्रैल 2002 के बीच में, 169 सेंटीमीटर हाइट, 50 केजी वजन और आपका सीना 77+5। इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में और इंग्लिश में 50% अगर हैं तो सभी सब्जेक्ट में 50-50% तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। टोटल 40% से ऊपर होना चाहिए। इसी प्रकार से सोल्जर नर्सिंग, असिस्टेंट नर्सिंग के लिए आवेदन करते हैं तो उम्र सीमा सेम आपकी हाइट, सेम वजन, सेम आपका सीना, 10+2 पास चाहिए। वैसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की जगह बायोलॉजी मांगा गया है, इंग्लिश 50% सभी सब्जेक्ट में, टोटल 40% होने चाहिए सोल्जर नर्सिंग के लिए, ठीक। नेक्स्ट जो पद है वो है सोल्जर क्लर्क, यानी कि स्टोर कीपर के लिए भी समझ सकते हैं। 17.5 से 23 वर्ष, 1 अक्टूबर 1996 से 1 अप्रैल 2002 के बीच में आयु सीमा, 162 आपकी हाइट, 50 केजी वजन, 77 सेंटीमीटर सीना, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी। इंटर पास चाहिए, आर्ट साइट, कॉमर्स साइट, साइंस साइट, किसी से भी पास हो चलेगा, 60% कम से कम लेकिन होना चाहिए। इंग्लिश में मैथ वगैरह है तो 50% आपके पास होना चाहिए सब्जेक्ट में। सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए 10वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, केवल 10वीं पास, 17.5 से 23 वर्ष आयु होनी चाहिए, 1 अक्टूबर 1996 से 1 अप्रैल 2002 के बीच में डेट ऑफ बर्थ, 169 सेंटीमीटर हाइट, 48 केजी वजन, 76 आपका सेंटीमीटर सीना और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होनी चाहिए, ठीक है, केवल हाई स्कूल पास।
इसी प्रकार से सोल्जर ट्रेड्समैन एक आल आसम की वैकेंसी है जिसमें केवल आपको 8वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, केवल 8वीं पास, आपका 17.5 से 23 वर्ष आयु, सेम आपकी यहाँ पर उम्र 169 हाइट, 48 केजी वजन और 76.5 सेंटीमीटर यहाँ पर सीना, ठीक है। तो ये है कुछ पद, यानी 8वीं पास, हाई स्कूल पास, इंटर पास केवल अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही कम क्वालिफिकेशन है, कोई एग्जाम फीस आपको नहीं देनी है, कोई यहाँ पर एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट भर्ती है, रैली के माध्यम से वैकेंसी होने वाली है। अगर आप एक्स सर्विस मैन है, विडो वगैरह हैं या स्पोर्ट मैन हैं, इससे संबंधित हैं, तो आपको यहाँ पर छूट भी दी जाएगी हाइट, चेस्ट और वेट में, ठीक है, ये छूट भी यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो भी यहाँ पर आपको छूट दी जाएगी। अब देख लीजिए 1.6 किलोमीटर की यहाँ पर रनिंग होगी, ये आपकी फिजिकल फिटनेस में आपको बता दे रहा हूँ, 1.6 किलोमीटर की यहाँ पर रनिंग आपकी होगी। अगर जो ऊपर की 3 पोस्ट थी उनके लिए आप आवेदन किए हैं तो 5 मिनट 30 सेकंड में आपको ये रनिंग क्वालिफाई करनी है, नीचे की 3 पोस्ट के लिए 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड में ये रनिंग आपको क्वालिफाई करनी होगी, जिसके लिए आपको 60 से 48 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पुशअप मारने होंगे आपको, बीम मारनी होंगी, जिगजैग बैलेंस आपको करना होगा, 9 फीट का डिस्टेंस है वो क्वालिफाई करना होगा, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर करनी होंगी, ये फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर आता है, ठीक है। अगर आप ये फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई करते हैं, सारी जो फिजिकल मेजरमेंट है वो क्वालिफाई करते हैं, तो यहाँ पर आपकी दौड़ वगैरह सब हो जाएगी, फिर आपका यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा, और अगर आप मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन कराया जाएगा। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है, ठीक है। एडमिट कार्ड मैंने डेट बता दी आपको कब आपके अलॉट किए जाएंगे, मैं इस वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा जैसे ही अलॉट होंगे, एजुकेशन सब बता दिया। अगर आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उस क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट, डोमेसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप अगर आपका कोई आर्मी वगैरह में कोई है तो उसका सर्टिफिकेट, एनसीसी है तो उसका सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्समैन है तो उसका सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। एक आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड जैसे कि पैन कार्ड, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए www.joinindianarmy.nic.in से आप आवेदन कर सकते हैं, आवेदन शुरू हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई जानकारी के लिए आप इनकी हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क करके पूरी डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए और पूरी डिटेल्स यहाँ से ले लीजिए। जो भी एफिडेविट वगैरह है सब इसमें दिए हैं, आप एफिडेविट वगैरह भी यहाँ से ले सकते हैं प्रिंट आउट और टाइप करा सकते हैं जिन अभ्यर्थियों को आवश्यकता पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स है। इस वीडियो फाइल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आवेदन करिएगा। ऑनलाइन आवेदन करने का भी लिंक दिया हुआ है। साथियों अगर ये जो वैकेंसी के बारे में डिटेल बताई गई है अगर आपको पसंद आई, पूरी अपडेट पसंद आई, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने साथियों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।